तो हेलो दोस्तों, विशेष कुमार ब्लॉग में सभी को स्वागत है। और अभी हम हैं अभय स्टेशन ऊपर में, जो फ्लाईओवर ब्रिज है ठीक उसी के सामने है। और फ्लाईओवर ब्रिज से हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। ये जो अभी ट्रेन निकल रहा है, ये हावड़ा स्टेशन से निकल रहा है और निकलने के बाद ये जाएगा कटुआ। ये यानी कि ये कटुआ लोकल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ट्रेन लगा हुआ है, लोकल ट्रेन जो यहाँ आपको हर 10 दिन में आपको ट्रेन खुलता नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा मात्रा में ट्रेन चलता है। देखिए ट्रेन में भीड़ कितना है, पब्लिक पूरा भरा हुआ है, इतना पैसेंजर सब पूरा एकदम लटक के जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मतलब सामने का पोजिशन है जहाँ से हावड़ा स्टेशन चालू होता है। और उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में पूरी के सामने हावड़ा ब्रिज आपको नज़र आता हुआ होगा। आई जो है आपका ब्रिज दिख रहा है, ये आपका ब्रिज का नाम है विद्यासागर सेतु, जहाँ से खड़े होकर हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। आप चलेंगे इसके थोड़ा आगे की तरफ, आगे की तरफ चलेंगे तो अभी जो ये एक ट्रेन का इंजन है जो लगा हुआ है। सामने आपको एक फ्लाईओवर ब्रिज और दिख रहा है जो सीधा स्टेशन तक जाता है, स्टेशन के अंदर तक। तो उस वीआईपी पैसेंजर के लिए होता है, क्योंकि वहाँ एंट्री लेने के लिए आपको पहले गेट पास में चार्ज देना पड़ता है। ये ट्रेन घुस रहा है, ये हावड़ा स्टेशन घुस रहा है, फिर 10 से 15 मिनट के अंदर ये फिर निकल जाएगा। अभी जो थोड़ा काफ़ी खाली खाली दिख रहा है, मगर जब यहाँ से निकलेगा हावड़ा स्टेशन से तो पूरा भरते हुए नज़र आएगा। अब हम चलेंगे इसके आगे की तरफ। अभी सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है, ये आपका बंकिम सेतु और इसी को ऊपर मंगला हाट यानी कि जो कपड़ा का मार्केट है वो बैठता है। और आज भी तो लगा हुआ था, मगर अभी सब दुकानदार दुकान हटा लिया है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आप इधर आगे में जो देख रहे हैं, सबसे बड़ा होटल यहाँ का, सबसे बड़ा होटल है अशोका, द अशोका और सेंटूर, जो पहले अशोका था अभी सेंटूर हो चुका है। और जो ब्रिज देख रहे हो नीचे, ये आपका मछली का मंडी है। और ये रोड काफ़ी भीड़ होता है। अभी जो रास्ता जा रहा है आपका, इसी तरह जाएगा एकदम मंगला हाट हावड़ा मैदान की तरफ। अब यहाँ से पास होगा बस, यहाँ पर आग जलाया है। और इसी का नाम है बंकिम सेतु। अब देखिए यहाँ का व्यूज, ये आगे रास्ता सीधा जाता है मंगला हाट की तरफ। और अभी हम जहाँ पर खड़े ठीक आपके हावड़ा स्टेशन के ऊपर का जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसी के ऊपर से। और यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म होता है आपका 23 नंबर तक। और लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपका हावड़ा ब्रिज, और ये सामने आपको दिख रहा है ये आपका 9 नंबर प्लेटफॉर्म है। और यहाँ जितना भी ट्रेन छोड़ता है, ईस्टर्न रेलवे का छोड़ता है, ये आपका ओल्ड कॉम्प्लेक्स है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो छोड़ा हुआ है, चाहे तो आप उसमें से देख सकते हैं, आप लोग को जानने में सुविधा होगा। अभी लेफ्ट साइड में जो आपका फ्लाईओवर ब्रिज दिख रहा है, वही आपका स्टेशन के अंदर से जाता है। नहीं, ये जाने वाला नहीं, ये निकलने वाला है, ये निकलने वाला रास्ता है, यहाँ से निकल सकता है। और यहाँ पर हमेशा सिया सब खड़ा रहता है। और ये भी ओल्ड कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है। ये सब ओल्ड कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। और इसके आगे आपको अगर राइट साइड जाइएगा, जहाँ पर टंकी दिख रहा है, जहाँ से आपका मेट्रो स्टेशन बन रहा है, जो अंडर वाटर मेट्रो है। और ये आपका ओल्ड कॉम्प्लेक्स का एकदम लास्ट प्लेटफॉर्म यानी कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म है।
ओल्ड कॉम्प्लेक्स का इतना ही आता है 16 नंबर तक। इसके बाद न्यू कॉम्प्लेक्स जाइएगा तो न्यू कॉम्प्लेक्स में 16 से 23 नंबर तक रहता है। और इधर देखिए जहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो बन रहा है, उसका भी मैंने एक तो अलग से वीडियो बनाया था, चाहे तो आप देख सकते हैं। और यही आपका 16 नंबर लास्ट प्लेटफॉर्म 16 नंबर। यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा कि हावड़ा स्टेशन इतना दिखने में खराब क्यों है, मगर आप जब अंदर जाइएगा हावड़ा स्टेशन के तब आपको बेहद ही खूबसूरत नजर आएगा। चलेंगे सीधा न्यू कॉम्प्लेक्स की तरफ में। और यहाँ पर देखिए फुटपाथ में जो है, फुटपाथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग फल बिक्री करता है। अब ये है आपका जहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो बन रहा है। आप चलेंगे सीधा न्यू कॉम्प्लेक्स के तरफ, यहाँ से दिखाएंगे आपको न्यू कॉम्प्लेक्स जहाँ 17-23 प्लेटफॉर्म है। अब आगे न्यू कॉम्प्लेक्स के, ये है आपका 17 नंबर प्लेटफॉर्म जहाँ से अभी ट्रेन लगा हुआ दिख रहा है। आपका 17-23 नंबर प्लेटफॉर्म है और जिसमें ट्रेन लगा हुआ वो 17 है और उसके आगे 18, 19, 20, 21, 22, 23 लास्ट। झाड़ी को याद रखिए। और एक चीज़ हम जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो है ये आपका घर टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर आपका वही अंडर वाटर मेट्रो जहाँ से आपका प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका है, बस अभी उद्घाटन करना बाकी है और कुछ काम बाकी होने का वजह से अभी ये अंडर वाटर मेट्रो अभी तक चालू नहीं किया। और देखिए सामने हावड़ा ब्रिज, तो उधर हो गया आपका ओल्ड कॉम्प्लेक्स, इधर हो गया आपका न्यू कॉम्प्लेक्स, ये हो गया आपका न्यू कॉम्प्लेक्स। अब ओल्ड कॉम्प्लेक्स न्यू कॉम्प्लेक्स क्या अंतर, ये चीज़ आपको बता दें तो ओल्ड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें आपका ईस्टर्न रेलवे है और ये आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे है, यानी कि जितना भी लॉन्ग टूर का ट्रेन है सब यहाँ से छोड़ता है। और उधर में वो जो लाइन है वो आपका हो गया आसनसोल लाइन, व्यंजनों के आसनसोल, वर्धमान, दुर्गापुर, उसके बाद मालदा, बिहार, झारखंड, उस लाइन जब चले जाता है। अब देखिए दिखने में कितना सुंदर है, साफ सुथरा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो इससे पे बहुत जल्दी आने वाला है। एक रास्ता और घुसता है जो स्टेशन के अंदर तक जाता है, ये है वो रास्ता, ये देखिए जो स्टेशन के अंदर तक जाता है यही रास्ता। अब हम दिखाएंगे इस साइड का पोजीशन, ये आपका न्यू कॉम्प्लेक्स और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है 22 नंबर प्लेटफॉर्म और सामने का उस टाइप का जो ट्रेन है वो आपका 23 नंबर प्लेटफॉर्म और उधर में जितने सारे ट्रेन है वो सब पार्किंग के तरह है, पार्किंग की तरह है ट्रेन को रखने के लिए। तो इस वीडियो में लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।